हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी लेटेस्ट ट्रिप जो कि केरला की थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हम 27 जुलाई को वेंसडे को निकले थे। हमारी 8:20 की फ़्लाइट थी तो हम अराउंड 6 बजे के आसपास हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी शांत माहौल था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी उस दिन और सब कुछ आसानी से आराम से हमने कर लिया था। क्योंकि हम 2 घंटे पहले पहुंच गए थे तो हमने थोड़ा सा टाइम मैकडी में स्पेंड किया। वहाँ पर मैंने अपनी प्यारी सी कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज लिए थे और थोड़ी सी देर लगभग आधा घंटा वहाँ बैठने के बाद हम निकल गए थे अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो उन्होंने देखा होगा मैंने एक छोटी सी रील पोस्ट की थी, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप आगे के लिए कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कनिका चित्रांश। सो यहाँ आप देख सकते हैं 44B हमारा गेट था और हम 44B से निकलते हुए हमें एक एयरबस ने हमारी फ़्लाइट के पास ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ से होते हुए हमने फ़्लाइट बोर्ड की थी और एक ऑलमोस्ट टाइम पर थी हमारी फ़्लाइट। 8:20 का टाइम था एंड 8:25 पे उसने टेक ऑफ कर लिया था। तो हमने क्योंकि विस्तारा से ट्रैवल कर रहे थे हम, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस हैं, जैसे कि 3 घंटे की फ़्लाइट थी तो आपके पास विस्तारा वाईफाई से कनेक्ट करके बहुत सारी मीडिया एक्सेस करने के ऑप्शंस हैं, तो आप आराम से 3 घंटे वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। बट अगर मेरी बात की जाए आई प्रेफर्ड स्लीपिंग। और 45 मिनट्स की टेक ऑफ के बाद हमको ब्रेकफास्ट सर्व हो गया था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में अगर आप देखेंगे तो छोले, पराठा और बन, बटर और ब्रेकफास्ट बाद आप चाय या कॉफ़ी जो भी प्रेफरेंस हो वो ले सकते हैं। तो अराउंड 3 घंटे की फ़्लाइट थी जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। और वो करने के बाद 11:20 के आसपास हम लैंड कर गए थे। और ये है केरला कोवलम का एयरपोर्ट। सो यहाँ से होते हुए हम अपने बैग्स कलेक्ट करते हुए हम लोग बाहर गए थे जहाँ पे हमने ऑलरेडी प्राइवेट ट्रांसफर्स बुक किए हुए थे, तो हमारी टैक्सी वेट कर रही थी। तो ये एयरपोर्ट के बाहर का सीन है, आप देख सकते हैं। यूजुअली यू विल फाइंड साउथ इंडियन पीपल। और ये हमारी टैक्सी थी जो कि ऑलरेडी वेट कर रही थी हमारे होटल लेके जाने के लिए। बट एज़ पर हमारी आइटनरी हमारे कुछ साइट सीइंग ऑलरेडी बुक थी होटल जाने से पहले ही, तो हम यहाँ पर होटल जाने से पहले ही कुछ जगह साइट सीइंग करते हुए गए थे। क्योंकि जो साइट सीइंग उसमें आइटनरी में थी वो यूजुअली होटल से काफ़ी दूर थी और एयरपोर्ट के बहुत पास थी, तो हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि हम पहले वो साइट सीइंग कर लेंगे। तो जो साइट सीइंग हम पहले करने वाले थे वो था नेपियर म्यूज़ियम और त्रिवेंद्रम का ज़ू था। तो इस रास्ते से होते हुए हम लोगों को हमारा ड्राइवर साइट सीइंग के लिए लेके गए थे। और पहल जाते हुए मैंने आप लोगों के लिए केरला की कुछ साइट्स रिकॉर्ड की थी, तो आप देख सकते हैं। ये है केरला त्रिवेंद्रम में एक छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क। उसके बाद आगे आती है वहाँ की विधानसभा, आप ये यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही हम पहुँच गए थे म्यूज़ियम वाली जगह पे। वहाँ पर म्यूज़ियम, ज़ू और जुरासिक, ये 3 चीज़ें पास पास ही अवेलेबल होती हैं, तो हमें ड्राइवर ने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये आगे जाके म्यूज़ियम जाने के लिए रास्ता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है। यहाँ पर पुरानी पिक्चर्स, फ़ोटोज़ सब प्रिज़र्व की गई हैं। तो हम लोग वहाँ गए थे तो 1 बजे तक लंच टाइम था, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था अंदर जाना। बट बाहर से इतना व्यू अवेलेबल था, तो किसी को अगर हिस्ट्री में एंशियंट चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो जा सकते हैं, नहीं तो यू कैन स्किप। बिकॉज हम लोगों ने ये स्किप कर दिया था, एज़ जितना हमें दिखाई दे रहा था कुछ इतना एक्साइटिंग भी नहीं था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे वहाँ से जब चलते हैं म्यूज़ियम को स्किप करते हुए, तो आगे ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से हम ज़ू के लिए चल पड़े थे। तो अब ज़ू के लिए वहाँ पर आपको काउंटर से टिकट लेनी पड़ती है, तो हर पर पर्सन वहाँ पे 20 रुपीज़ की टिकट है एंट्री की। अगर आपके साथ 5 साल से बड़ा बच्चा है तो 10 रुपीज़, और अगर आप कैमरा कैरी कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ एडिशनल वहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ
अंदर आपको ज़ू में एंट्री मिल जाएगी। वैसे कार्स भी अवेलेबल होती हैं अगर कोई जाना चाहता है ज़ू में, सो दैट इट वुड बी ईजियर, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर ज़ू में तो। बट हमारे टाइम अनफॉर्चुनेटली कार्स अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग पैदल ही गए थे। तो यहाँ पर आपको उतने ज़्यादा नहीं जितने अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और अगर आपने दिल्ली का ज़ू विज़िट किया है तो दिल्ली के ज़ू के कंपैरिजन में यहाँ पर 10% भी एनिमल्स आपको नहीं मिलेंगे। मेजरली यहाँ पर मंकीज़ अवेलेबल थे, मंकीज़ को तो आप देख सकते हैं, आउल यहाँ पे आप देख रहे हो, और कुछ ब्रीड्स बर्ड्स की थी यहाँ पर। बाकी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि आप स्वेटिंग करते ही रह जाओगे, और ये रीज़न था कि हमने हाफ ऑफ द ज़ू ही विज़िट किया, और उसके बाद वी वेंट बैक। ज़ू से वापस आते हुए जुरासिक करके एक जगह है, प्रॉब्ली वहाँ पर डायनासोर्स वगैरह थे, बट इतनी ह्यूमिडिटी थी और वी वर सो टायर्ड बिकॉज़ हम लोग सुबह 4 बजे उठे हुए थे। तो वी आस्क्ड आवर ड्राइवर टू टेक अस टू आवर होटल, एंड रास्ते में आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल चर्च है। ये मैंने कुछ और साइट्स रिकॉर्ड की हैं त्रिवेंद्रम की, इतना ब्यूटीफुल चर्च था वहाँ पर, ये रास्ते में ही था, बट बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड वहाँ से सीधे ही चल पड़े थे। हमने कार में बैठे बैठे ही सारी साइट सीइंग कर ली थी, सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आगे चल के हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि ये है सेक्रेटेरिएट, जिसको वहाँ पर बोलते हैं लफड़े वाली जगह, जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको हर दिन कोई ना कोई स्ट्राइक, कोई ना कोई अनशन वो आपको देखने को मिलेगा। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू सी दैट लफड़े वाली जगह इन त्रिवेंद्रम। तो करते करते हम अपने होटल पहुंच गए थे, हमारा स्टे था ताज ग्रीन कोव रिजॉर्ट एंड स्पा में। आई होप सभी लोग अग्री करते हैं कि इतने लंबे ट्रैवल के बाद जब आप फाइनली अपने होटल पहुंचते हो, सो दैट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो और अगर उस एक्सपीरियंस में अगर आप होटल पहुंचते इतना सुंदर व्यू मिलता है तो इट एड्स ऑन, तो आपकी आधी थकान तो ऐसे ही दूर हो जाती है जब इतना सुंदर व्यू देखते हैं। और उस पर ये वेलकम, आप देखिए उन्होंने पहले हमें माला पहना के हमारा वेलकम किया, उसके बाद यू आर गिवन दी वेलकम ड्रिंक्स एज दी कोकोनट वाटर। और मैं जल्दी ही ताज के ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी, जिसमें आप और डिटेल्स देख सकते हैं हमारे रूम की, बाकी ताज की। टॉकिंग अबाउट दिस ट्रिप इन केरला, सो हम थोड़े से देर रिलैक्स करके अपने रूम में, वहाँ पर ताज में कार्ड्स अवेलेबल होते हैं इस तरह के, और आप उनसे बोलेंगे तो बेथ करके वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी हाई टी भी अवेलेबल होती है। तो हम लोगों ने कार्ड बुक को कॉल किया था, और द मोमेंट यू आज द रिसेप्शन दे सेंड यू द कार्ड, आपको बहुत जल्दी ही वो कार्ड भेज देते हैं। तो कार्ड से होते हुए ये ताज से लगा हुआ बीच था कोवलम केरला का, एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर। और जब जिस टाइम हम लोग इस बीच पर आए थे, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आगे की हमारी जो आइटनरी में जो भी साइट सीइंग थी हम कैंसिल कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारी साइट सीइंग में पुवार बीच और कन्याकुमारी काफ़ी कुछ इंक्लूडेड था, लेकिन जब हम इस बीच पर पहुँचे हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हम और कहीं नहीं जाने वाले, हम बस यहाँ पर बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये था, और सामने बीच है, और इधर ही बेथ करके रेस्टोरेंट है, वहीं पर आपको 5 बजे से आपको हाई टी अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है। फिर काफ़ी देर वहाँ पर रिलैक्स करके हम लोग वापस अपने रूम के लिए, हमने दोबारा कार्ड बुलाई थी, वहाँ पर वॉकी टॉकी लेके गार्ड्स अवेलेबल होते हैं, वो कॉल करके कार्ड बुला देते हैं, विद इन अ मिनट और टू आपके लिए कार्ड अवेलेबल हो जाती है। तो हम कार्ड में बैठ के अपने रूम के लिए वापस जा रहे थे, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कितना लंबा रास्ता है और हर चीज़ इतनी दूर दूर है, इतनी प्रॉपर्टी अवेलेबल थी ताज के पास। यहाँ से हमें कार्ड से हमारे रूम तक जाने के लिए मैं आपको यहाँ रास्ता दिखा रही हूँ। इधर से यहाँ पर साइड में एक लेक भी थी, और कुछ लोग चाहें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शांत माहौल है, तो आप जिन लोगों को बीच साइड नहीं बैठना वो यहाँ पर लेक पर लेक साइड बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। और यहीं से होते हुए आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, क्या ब्यूटीफुल सीनरी है केरला साउथ स्पेशल। कोकोनट ट्रीज़ हैं, पाम ट्रीज़ हैं, और सारे में आपको सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी और वाटर, यही आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। और सनसेट का व्यू आप
ऊपर देख सकते हैं आसमान में कितना सुंदर है। छोटी छोटी लाइट्स जला दी थी उन लोगों ने इस टाइम तक, क्योंकि 6-7 बज गए थे। अब यहाँ से होते हुए हम थोड़ी देर के लिए अपने रूम पर गए थे और फिर डिनर टाइम हो गया था, तो धीरे धीरे हम लोग डिनर के लिए वहाँ पहुँच गए थे। केरला जाके साउथ इंडियन नहीं खाया तो क्या खाया, तो हमने डोसा इडली ये सब ऑर्डर किया था। तो ये था हमारा पहला दिन, day 1। और आइए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे दूसरे दिन की तरफ। सो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, इज आर day 2। और मैंने हमेशा की तरह शुरुआत करी अपनी प्यारी कॉफ़ी से, जो होटल में कॉफ़ी अवेलेबल होती है वहाँ से कॉफ़ी बनाकर मैंने कॉफ़ी पी। उसके बाद हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गए, वहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस और इतने टेस्टी ऑप्शंस अवेलेबल थे आपके ऑर्डर पर। वहाँ पर आपको डोसा, और अगर आप ऑर्डर देते हैं आपको पूड़ी भाजी छोले भटूरे वो सब भी वो लोग स्पेशली बना के दे देते हैं। फिर हमने थोड़ा सा, हमारे ड्राइवर ने बोला था कि थोड़ी सी साइट सीइंग कर लेनी चाहिए, तो हमने फिर हवा बीच के लिए हम गए थे। तो ये है हवा बीच, वहाँ पर हमने स्टार्टिंग करी थी एक आइसक्रीम के साथ जो कि 2 मिनट के अंदर पिघल के ख़त्म हो गई थी। तो अगर कोई जा रहा है और इस मौसम में आइसक्रीम ले रहा है, मैं उसको अपना एक सजेशन दूँगी, प्लीज़ डोंट बाय दैट। अगर आपको सिर्फ टेस्ट करनी है देन इट्स ओके, पूरी खाने की बिल्कुल भी सोच के मत जाइएगा, क्योंकि वो 5 मिनट्स के अंदर पूरी पिघल के ख़त्म हो जाती है। तो ये था हवा बीच, वहाँ पर तो आप खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ के टाइड्स कंपैरेटिवली होटल वाले से अलग हैं, और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे हवा बीच में तो वहाँ पर मार्केट्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो ले सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप साउथ रिलेटेड कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। आप अगर धोती लेना चाहते हैं तो वहाँ की धोती, और या मैं कहूँ लुंगी जो बोलते हैं वो लोग, वो अवेलेबल है, या फिर कुछ शंख और इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने स्पेशली पूछा था कि अगर वहाँ पर साउथ की कोई स्पेशलिटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहीं नॉर्थ इंडिया स्टाइल की कफ्तान्स कुर्ता ये सब लेडीज़ के लिए है, बाकी जेंट्स के लिए टी शर्ट्स हैं जो कि आपको ईज़िली कहीं पर भी मिल जाएंगी। हाँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वहाँ पर सैंड टॉयज़ हैं जो कि एक बेनिफिशियल चीज़ हो सकते हैं। आपके साथ बच्चे हैं अगर आप उन्हें सैंड टॉयज़ दिलवाइए, वो काफ़ी अच्छे से सैंड टॉयज़ में, अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है बनाने में तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरेगा उनका, तो आप वो दिलवा सकते हैं उनको। बाकी जो हर जगह होता है बबल टॉयज़ हैं, ये सब था बच्चों के लिए वहाँ पे। तो थोड़ी देर हवा बीच पर चिल करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए थे, तो और चेंज करके उसके बाद दोबारा से अपने प्यारे बीच पर हम लोगों ने एक कार्ट कॉल किया और फिर से हम थोड़ी देर के लिए अपने बीच पर रिलैक्स करने के लिए चले गए थे। आप देख सकते हैं, और शाम के टाइम 5-6 बजे वहाँ पर ड्रिजलिंग होने लगती है। यहाँ नोएडा या दिल्ली साइड जैसी बारिश नहीं है कि एक घंटा बहुत तेज़ बारिश होगी सारे में पानी भर जाएगा और ह्यूमिडिटी नहीं, वहाँ पर ड्रिजलिंग है 2-3 घंटे, बहुत प्यारी ड्रिजलिंग होती है। आप उसमें जाकर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एंड आपको बिल्कुल भी भीगने वाली फीलिंग नहीं आएगी वहाँ पर। वहाँ पर जैसे कि सैंड है वहाँ पर होटल के बीच के पास, तो वहाँ आप थोड़ा बहुत अगर बच्चे हैं वो अपने लिए सैंड की गेम्स खेल सकते हैं। आप जैसा मैंने कहा था, हवा बीच पर और मार्केट्स में सैंड टॉयज़ अवेलेबल हैं, वो आप दिला सकते हैं उनको या अपने घर से लेके जा सकते हैं। वहाँ पर बच्चे बहुत आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड दे डेफिनेटली इन्जॉय इट। उसके बाद रात हो गई थी, तो अब ये आप देखेंगे बीच का रात का नज़ारा है। हाइटी के बाद वहाँ पर जब अंधेरा होने लगता है तो ये जो सी है ये बीच और ब्यूटीफुल लगने लगता है। रोज़ की तरह हमने वही 5-5:30 बजे हाइटी ली थी। उसमें day 2 में कुछ दूसरी तरीके के पकौड़े थे, शायद वो केरला स्टाइल थे, और उसके साथ सैंडविचेस, जूस, चाय, कॉफ़ी, वट एवर यू प्रेफर। सो आप वो लेने के बाद हमने काफ़ी देर यहाँ पर हम लोगों ने बीच का आनंद लिया था। उसके बाद क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे, हमारी फ़्लाइट थी, ये बहुत छोटी सी ट्रिप थी हमारी, तो हम उस साइट को मिस नहीं करना चाहते थे जो हमें इस रात को एंड में मिल सकती थी। तो हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे थे, बट 10:30 के बाद वहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई भी कार्ट नहीं मिलता एंड रूम्स काफ़ी दूर थे बीच से, तो इट इज़ नॉट सेफ़ एंड इट इज़ नॉट अलाउड। तो इसलिए हम लोगों को 10:30 के बाद 10:45 के अराउंड हम लोग वहाँ से चले गए थे अपने होटल रूम पे, और बीच में फिर उसके बाद हमने वहाँ पर डिनर लिया था बीच में जाकर, और डिनर में वही
वी प्रेफर्ड फॉर साउथ इंडियन, क्योंकि मेरा फेवरेट है साउथ इंडियन, और केरला गए और साउथ इंडियन नहीं खाया तो ये तो केरला की तौहीन हो जाएगी। तो इसलिए हमने वो खाना वहाँ पर लिया। और ये आप देख सकते हैं बीच का नज़ारा, ये हमारे लिए इस ट्रिप का आखिरी नज़ारा था। तो ये था हमारी शॉर्ट सी ट्रिप का डे टू, और डे थ्री में हमने फ़्लाइट बोर्ड करी थी। तो सो वेलकम टू डे थ्री, और आज हम घर वापस जा रहे थे। तो लेकिन सुबह की शुरुआत, हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे, सुबह की शुरुआत एज़ यूजुअल हुई मेरी प्यारी कॉफ़ी से, और कॉफ़ी के साथ साथ मैं होटल से जितना सीनरी का व्यू ले सकती थी मैं ले रही थी। फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए गए, जो कि एक स्विमिंग पूल फेसिंग ब्रेकफास्ट एरिया था, रेस्टोरेंट था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए थे। फिर हमने जो फाइनल बिलिंग एंड ड्यूज़ क्लियर करने थे वो करके हम लोग यहाँ गए थे। ये फाइनल व्यू है ताज होटल के रिसेप्शन एरिया का, एंड ये है उसकी एंट्रेंस का। और उसके बाद ड्राइवर ने हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर लिया था। 12 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, जो कि थोड़ी डिलेड थी, तो 15 बाद हमने बोर्ड कर ली थी। और वही पहले की तरह ही विस्तारा में बोर्डिंग के अराउंड हाफ एन आवर के बाद आपको ब्रेकफास्ट सर्व हो जाता है, या ये कहिए लंच सर्व हो जाता है। तो मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ जो मेन्यू जो हम लोगों को वेज ब्रेकफास्ट में मिला था वहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम हमारे पास था राइस, मटर पालक, मटर पनीर, और वही बन बटर, और उसके साथ स्वीट्स में एक रसगुल्ला था। और हम पहुंच गए थे 3 घंटे के बाद, हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। और आप ये देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा, काफ़ी शांत माहौल था यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ उस टाइम भी हमको नहीं मिली थी। और करते हुए हम आगे बढ़ते हुए हमने बैगेज कलेक्ट किया, अपने बैग्स कलेक्ट किए, और बैग्स कलेक्ट करने के बाद वहीं सामने से ही हमने एक टैक्सी बुक कर ली थी, जो टैक्सी हमको छोड़ के जा रही थी। काफ़ी डरे हुए थे हम कि यहाँ पर आकर हमें मौसम उतना अच्छा नहीं मिलेगा जो केरला में था, बट थैंकफुली यहाँ पर भी हल्की बहुत ड्रिजलिंग हो रही थी, तो काफ़ी मौसम बहुत ही अच्छा था और हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई गर्मी और उसकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ये थी मेरी कोवलम केरला की शॉर्ट ट्रिप की वीडियो। आई होप मैंने आपको जो भी आप जानना चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी है। एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल, बिकॉज बहुत जल्दी मैं ताज के ऊपर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।